हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। प्रोमिला की रसोई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी की बहुत ही जल्दी बनने वाली इडली बनाएंगे। और ये ले ली है, उसके लिए हमने एक कटोरी सूजी ले ली है, आधी कटोरी दही ले ली है, एक बारीक कटा हुआ प्याज और एक बारीक कटी शिमला मिर्च, थोड़े से कॉर्न ले लिए हैं और एक गाजर ग्रेट करके ले लिए, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची और धनिया पत्ता काट के ले लिया है। हमने ये एक बाउल ले लिया है, इसमें सूजी डालेंगे और इसको दही में डालेंगे। इसमें 3 चम्मच डाल ली है, मिक्स करेंगे, अनुसार नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भिगो लेंगे बैटर को। अब सूजी को भिगो दिया है, अब 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए, और ढक के छोड़ देंगे इसको। फ्रेंड्स, सूजी फूल गई अच्छी तरह से। अब इसमें डालेंगे इस कटी हुई सब्जियाँ, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देंगे, आधी रख लेते हैं, और थोड़े से प्याज डाल देंगे। ये हरी मिर्ची सारी डाल देंगे क्योंकि हम तीखा पसंद है तो तीखा अच्छा लगता है, ज़्यादा मिर्चीदार अच्छी लगेंगी। और ये कॉर्न डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे और थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल देंगे। धनिया से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इनको करेंगे मिक्स। फ्रेंड्स, ये सूजी का घोल तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे इनो, ये इसमें 1 चम्मच के करीब होता है इनो पाउडर, ये पूरा डाल देंगे। इडली को ये बहुत ही सॉफ्ट रखेगा। वेट करने के लिए थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखो कितने बबल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। एक सांचा ले लिया है, इनमें घी या तेल लगा के और इनमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे सांचे के अंदर ताकि इडली आराम से निकल जाए, चिपके ना। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, उंगली से भी लगा सकते हैं, घी या तेल कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने सारे सांचों में घी डाल लिया है, लगा लिया। और अब ये बैटर डाल देंगे 1-1 चम्मच, ज़्यादा नहीं भरना है, 1-1 चम्मच ही डालेंगे। अब दूसरे में डाल लेंगे, इनको रखते जाएंगे ऐसे। फ्रेंड्स, ये हमने सारे सांचे फिल कर लिए हैं। अब इनको कुकर में पानी गरम कर लिया है, देंगे। और 10 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे। से ये बैटर बच गया था, थोड़ी और सब्जियां मिलाई इसमें। अब ये फ्राई पैन ले लिया है, अब इसमें लगाएंगे घी। ऑन कर लिए, घी गर्म हो रहा है, घी गर्म हो गया है। अब ये डाल देंगे बैटर, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको हला देंगे। अभी ढक देंगे 10 मिनट के लिए और गैस को कर देंगे बिल्कुल सिम, और 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह पकने देंगे। ये भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। फ्रेंड्स, इनको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब देख लेते हैं इनको पलट के। बहुत बढ़िया पके हैं एक साइड से, अब दूसरी साइड से और पकाएंगे ऐसे ही पलट पलट के। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनके तैयार हुआ है।
रिडली स्टैंड ना हो तो इस तरीके से भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। अब इसको फिर ढक देंगे, दूसरी साइड से भी बहुत बढ़िया इक्के तैयार होगा। और गैस को बिल्कुल धीमी रखना है। फ्रेंड्स, सूजी की इडली बनके तैयार हो गई है। 10-15 मिनट के लिए हमने पकाया इसको। अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं। ये चाकू से आप इसको चेक कर लेना है ऐसे। अगर ये देखो बिल्कुल नहीं चिपक रहा, बहुत बढ़िया बनके तैयार हुई है। अब इनको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद निकालेंगे और गैस को बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, हमारे ये सूजी का नाश्ता बहुत बढ़िया पक के तैयार हुआ है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा तेल और लगाएंगे। अब ये बाकी का बैटर भी डाल देंगे, पूरा का पूरा। अब इसको हम गोल भी बना लेंगे। जैसी शेप आपको चाहिए वैसी बना सकते हैं। अब पूरे बैटर को फैला लेंगे। इसको पतला पतला फैला लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, इसको भी बिल्कुल धीमी आंच में 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, फिर पलट पलट के अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, सूजी की इडली बनके तैयार हो गई है। ये ठंडी हो गई है और अब इनको निकाल के देख लेते हैं चाकू की मदद से। धीरे धीरे चारों तरफ से आराम से निकालेंगे इनको। ये देखो कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है, जालीदार, बहुत ही अच्छी तरह से पकी है और मिक्स वेज से बहुत ही बढ़िया इडली बनके तैयार हुई है। इनको निकाल लेते हैं, बाकी की सारी इडलियों को निकाल लेंगे। आराम से खा सकते हैं और आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। मीठी चटनी या खट्टी धनिया की चटनी से भी खा सकते हैं। और इनमें सब्जियां मिली हुई हैं तो इनको आप ऐसे भी खा सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है एकदम से। ये देखो सॉफ्ट सॉफ्ट और सारी सब्जियाँ इसमें, बहुत हेल्दी भी है। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सूजी की इडली बहुत बढ़िया बनके तैयार हुई है और इसको सॉस चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सांभर के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन ये हमने वेजिटेबल से बनाई है और एक दूसरी तरह का भी हमने नाश्ता बनाया है, ये भी बहुत बढ़िया है, वेजिटेबल मिक्स। बहुत ही अच्छा करारा नाश्ता बना है ये भी। आप दोनों तरह के ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।